हेलो माय लवलीज, हाउ आर यू? सी, आई एम वेयरिंग ब्लैक, और ब्लैक में कितनी पतली सी लगती है ना, एकदम चौड़ी। थैंक यू। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल ना गौरव को धमकी दे रहे हैं कि भैया बारिश की रेसिपीज लेके आओ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू अनफॉलो यू। नो, डोंट डू दैट, डोंट गिव मी धमकीज वगैरह, अदरवाइज मुझे झुकना पड़ेगा, आई मीन मुझे आना पड़ेगा। ओ गॉड, यू गाइस आर सच परवर्ट्स, यू नो। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि बारिश जब देखो इंडियन खाना बनाती रहती है। हेलो, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आई कैन मेक ए पिज्जा। इफ यू डोंट बिलीव मी, आई विल मेक इट राइट नाउ। व्हाट इज ही डूइंग हियर? रोहित, जब किचन में कोई भी नहीं होता तो भी तुम किचन में क्यों बैठे रहती हो? खाने के लिए। ओह, यू थिंक्स आई एम गोना कुक एंड देन ही इज गोना ईट? ऐसे नहीं मिलता बाबा, काम कराना पड़ता है। रोहित बोलो क्या खाओगे? जो तुम बोलोगे मैं वही बनाऊंगी। समोसा? नहीं। जलेबी? नहीं। कचौड़ी? नहीं पापा। ठीक है, तुम जो बनाओगे मैं वो खा लूंगा। नहीं, जो तुम बोलोगे मैं वही बनाऊंगी। आलू का पराठा? नहीं, जब भी कोई इंडियन खाते रहते हैं बाबा। ठीक है, थाई कड़ी? नहीं। कुछ इटालियन बना दूंगी। हाँ, जैसे क्या? पास्ता? नहीं। ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वही खा लूंगा। नहीं, जो तुम बोलोगे मैं अभी वही बनाऊंगी। ठीक है, पिज्जा बना लो। ओके, देखो मैं कैसे हर किसी की डिमांड्स पूरी करती रहती हूँ। लेट्स मेक पिज्जा। डू यू वांट आटे का पिज्जा या फिर मैदे का पिज्जा? आटे का। हाँ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। चिल क्रियो क्या? चलो खड़े हो। ओके, पिज्जा बनाने के लिए आपको चाहिए बहुत सारी वेजिटेबल्स, जो जो आपके पास हो वो डाल सकते हैं। प्लस आपको चाहिए बटर, चीज एंड हर्ब्स चाहिए, जैसे ओरिगैनो चाहिए। और वेट, मैं ट्रॉली शॉट में दिखाती हूँ। ये सब हम यूज करेंगे पिज्जा बनाने में। ओके, सो हमें चाहिए बटर, ओरिगैनो, ये है ड्राई यीस्ट, टोमेटो प्यूरी का हम बनाएंगे वो पिज्जा सॉस, ये कैप्सिकम्स पीला और हरा, दिस टमाटो प्याज एंड दिस पनीर एंड दिस लहसुन, मोजरेला चीज, मशरूम्स एंड ऑल्सो बेबी कॉर्न। आपके पास कोई और भी वेजिटेबल्स हो वो भी डाल सकते हैं, जैसे सॉरी नॉट बेबी कॉर्न, दिस इज कॉर्न। पिज्जा बेस बनाने के लिए चाहे वो मैदे का हो चाहे आटे का हो, आपको चाहिए कुछ चीजें, जैसे गुनगुना पानी, नमक, चीनी एंड ड्राई यीस्ट। मेरे पास पहले ड्राई यीस्ट नहीं था तो मैं लेके आई, देखो मैंने कैसे ब्रांड छुपा के रखा है। पैसे देंगे तो नाम भी बताऊंगी। ओके, सो आप इसको विदाउट यीस्ट भी बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको उसमें दही डालना पड़ता है वगैरह वगैरह, वो किसी और की रेसिपी देख लेना यूट्यूब पे अगर आपको देखनी हो तो। लेकिन अगर किसी और की रेसिपी देखी तो आई ब्लॉक यू। एक वाइट कटोरी लें ताकि आप अमीर लगें, उसमें डालें थोड़ा सा गुनगुना पानी। इट शुड भी गुनगुना, नॉट टू हॉट, अगर टू हॉट होगा ना तो इसमें यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगा, मर जाएगा। ओके, अब इसमें डालें एक छोटे चम्मच शुगर और इसमें डालें यीस्ट। अब आप इसको अच्छे से हिलाएं इसको, और फिर इसको ऐसे ही रहने दें फॉर 10 मिनट्स। ओके, जब तक हमारा यीस्ट सेट हो रहा है हम बनाते हैं गटर बालिक। व्हाट इज दैट? बटर गार्लिक। आई सेड बट गटर गार्लिक। ओके, सो हमको चाहिए गार्लिक, और उसको हम जैसे मुट्ठी में ब्रेक करके उसको हम गार्लिक में बटर में डाल। गॉड, तुम लोग इतने परवर्स हो, मुझे कंफ्यूज कर देते हो। लेट्स मेक बटर गार्लिक। एक कढ़ाई में लें ऑलिव ऑयल और इसमें डालें बटर। अब गैस को बंद कर दें और इसमें डालें गार्लिक। ये बन गया हमारा बटर गार्लिक, आपको सारा यूज नहीं करना है, मेरे से थोड़ा ज्यादा बन गया। ओके, सॉरी। अब चलते हैं आटे की तरफ। ओके, एक परात में डालें आटा एक कटोरा भर के, आटे में डालें एक चम्मच नमक और ऊपर से डाल दें ओलिव ऑयल एक चम्मच, इसमें डालें थोड़ा सा ओरिगैनो, कई लोग नहीं भी डालते, मैं तो डाल देती हूँ भाई, फ्लेवर आ जाए वैसे। ये हमारा ड्राई यीस्ट एक्टिवेट हो चुका है, इसको भी इसमें पलट दें पूरा, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लें। ये हमारा आटा रेडी हो गया, आप चेक कर लें कि थोड़ा सॉफ्ट हो, इट शुड बी टू हार्ड। आटा बन गया है, अब आप इसको गीला कपड़ा डाल के एक घंटे के लिए रेस्ट करने दें। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है लेट्स फोकस ऑन टॉपिंग्स। हम टॉपिंग्स में डालेंगे पनीर, सो लेट्स स्टार्ट विद पनीर। मेरा वाला पनीर बहुत ज्यादा वाटरी हो गया है, बट आप दूसरा पनीर लेंगे तो वो बेटर होगा। एक पनीर पे थोड़ा सा मिर्ची डाल लीजिए, थोड़ा हल्दी, धनिया, और इसको सूखा सूखा ऐसे ऐसे कर लें। ओ गॉड, नमक तो बताना भूल गई, नमक भी डाल लें। अब आप इसको हाथों से ऐसे ऐसे कर लें। ओके, बटर गार्लिक में से मैंने बहुत सारा निकाल लिया है, ये दूसरी चीजों में भी काम आएगा। अब हम इसमें डालेंगे जो पनीर का हमने बनाया है।
क्योंकि ये मलाई पनीर है तो ये टूट भी सकता है, टूट भी जाए तो बिग डील, खाने की चीज है, पर ट्राई की ना टूटे। ये निकाल लें और कढ़ाई को धो दें, नहीं तो ये हल्दी बाकी वेजिटेबल्स में लग जाएगा। अब कढ़ाई में डालें अपना बटर गार्लिक, अब इसमें डालें मशरूम्स, लेट इट कुक फॉर अ मिनट। अब गैस बंद कर दें और इसमें डाल दें कॉर्न, ये मैंने माइक्रोवेव में 2-3 मिनट के लिए पानी में डाल के थोड़े से सॉफ्ट कर लें। और इसमें डालें अनियंस, ये हम खोल खोल के डाल रहे हैं, ऊपर से डाल देंगे ओरिगैनो और हल्का सा सॉल्ट, नॉट टू मच। ओके, अब बारी है बनाने की टोमेटो सॉस, नो क्या बोलते हैं उसको, पिज्जा सॉस, नो इट्स पिज्जा सॉस, पिज्जा 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 पी, हल्का सा ट होता है, इट्स नॉट पिज्जा, पिज्जा टोमेटो प्यूरी, इसमें डालेंगे हल्का सा ओरेगनो, बस हल्का सा सॉल्ट और हल्का सा शुगर। ओके, आटा हमारा रेडी हो चुका होगा, चलो देखते हैं कैसा लग रहा है। Yeah, it's looking like increased in size. God, what are you doing? It's bigger, Baba. Ew! Oh God, Rohit. ये देखो हाथ से भी होता है। Okay. और जो तुम बाहर से ब्रेड खाते हो, वो तुम्हें क्या लगता है? वो चकला बेलन से होता होगा। In fact, पाव का नाम तो पाव इसलिए पड़ा क्योंकि वो पाव से बनाया जाता है। You know, मैं पिज्जा को एयर फ्रायर में बनाने वाली थी, फिर मेरे को याद आया कि लास्ट मंथ ना मैंने बहुत सारी चीजें एयर फ्रायर में बनाई थी, जैसे बिस्किट केक वगैरह वगैरह, और मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया था। सर जस्ट चेकिंग, इस महीने की यूज नहीं करते, फिर मैंने ट्वीट देखा कि सबकी इतने ज्यादा बिजली के बिल आया, आई वाज सो हैप्पी। मैं तो ऐसे ही अपने पुअर एयर फ्रायर को ब्लेम कर रही थी। तो आज मैं एयर फ्रायर में नहीं बनाऊंगी बिकॉज एयर फ्रायर में साइज छोटा बनेगा और मुझे बड़ा अच्छा लगता है पिज्जा, तो मैं इसको बनाऊंगी कढ़ाई में, और मेरे पास बहुत बड़ी है कढ़ाई, विल मेक इट, आई विल शो इट टू यू, गॉड पावर्स, सी कितनी बड़ी है। सो इस कढ़ाई में हम बनाएंगे एक बड़ा सा पिज्जा। सबसे पहले हम इसके बेस में डालेंगे नमक, इसको हम गर्म होने रख देते हैं, अब जाके हम अपना पिज्जा असेंबल करेंगे। ये अच्छे से बेल दिया है रोहित ने, अब हम ये बड़ी सी परात में बटर, जो हमारा बटर गार्लिक था वो डाल के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे विद दिस। अब इसको अच्छे से लगाएं, अच्छे से बटर गार्लिक लगा दिया, अब इसमें हम डालेंगे ये अपना बेस पिज्जा का, फोक से हम इसमें अच्छे से छेद कर लेंगे सो दैट ये इवनली फूले, कहीं ऐसे नहीं कहीं से फूल गया कहीं से नहीं फूला। इसमें स्प्रेड करेंगे पिज्जा सॉस, इसको चम्मच से अच्छे से फैला लें। जब मैं छोटी थी घर पे पिज्जा बनाते थे, हमारे पिज्जा में ना हमेशा तार तार सा आता था, और मैं सोचती थी हमारा चीज वैसा क्यों नहीं होता जैसे एड्स में दिखाते हैं, फिर मुझे पता लगा वो मोज़रेला चीज होता है। सो मोज़रेला चीज इज मोर स्टिकी और वैसा होता है जैसे पिज्जा पे डलना चाहिए। ओके, सो इट्स मोज़रेला चीज, क्या नाम है रोहित? मोज़रेला। ये अच्छे से स्प्रेड हो चुका है, ऊपर से डालेंगे मोज़रेला चीज, अच्छे से इसे छितरे छितरे करके डालो। ठीक है, छितरे छितरे करके डाल देते हैं। इसे सेट हो गया, आप इसपे ऊपर से डालें प्याज एंड ऑल जो हमने करी थी ना सब्जी की थी, वो इसको अच्छे से ऊपर अरेंज कर दें। पनीर जो हमारा था उसको भी ऊपर से छित्र छित्र करके डाल दें, कोई मोटा पीस हो तो भी कोई बात नहीं। डाल दें टमाटर जो हमने पतले पतले काटे हुए हैं, साथ में कैप्सिकम्स, ये हमारा ग्रीन कैप्सिकम हो गया और ये येलो कैप्सिकम, आप बेल पेपर डाल दिया, आप ऊपर से वापस से डालें चीज। पहली बार हम पिज्जा बना रहे हैं, सो लेट्स प्रे रोहित की अच्छा सा पिज्जा बने। ठीक है, बिकॉज इट्स इटालियन, लेट्स डू इटालियन प्रेयर। Oh my God! Oh God! This is beautiful. Oh my God! It's so hot. Careful, Rohit. Careful. Look at him. He's looking so excited. Oh my God! Look at the size. It's looking so gorgeous.
चलो हमारे पास कटर नहीं है जो पिज्जा कटर होता है, तो हम इसको काटेंगे फोर्क एंड नाइफ से. नाइफ, डिड आई से नाइफ? कुछ भी बोलती हूँ मैं. ओके. ओह गॉड, खुद के लिए इतना बड़ा काटा है, मेरे लिए देखो कितना छोटा है. लुक एट दिस साइज. आई मीन अच्छा ऊपर से डालो ओरिगैनो एंड लेट्स पुट सम चिली फ्लेक्स. गाइस, अब वी आर गोइंग टू टेस्ट द पिज्जा. ओके, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बोल रहे थे कि कुछ लोग पिज्जा को ऐसे खाते हैं, पतली साइड मुंह में फर्स्ट. बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू ईट अ पिज्जा? सम पीपल ईट पीछे से. नहीं, सम पीपल फोल्ड करके खाते हैं इसको. दैट इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट वे. तो उसने वीडियो ने मुझे बताया कि इसको, जैसे इस पिज्जा को सबसे पहले टच करती है जबान, सो जबान भी अगर चीज और वेजिटेबल्स टच करेंगी तो इट्स मच टेस्टियर. सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट. ओके, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सो यम्मी, ओह इट इज ब्यूटीफुल. सो आप भी ये पिज्जा घर पे जरूर बनाना ट्राई करें, एंड द रेसिपी इज ब्यूटीफुल. And that's it. Lots of love. Kill it to me. Tum subscribe karo na. Abhi subscribe karo channel ko. Just do it. And if you do it, I'll give you give it to me. Thank you.